नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। राजेंद्र शुक्ल की मंत्री बनने पर रीवा में जश्न, पटाखा फोड़कर समर्थकों ने दिखाया उत्साह। चार बार विधायक तो चार बार मंत्री बनने का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा की चार बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल को शिवराज सरकार के चौथे मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया है। शनिवार की सुबह 9 बजे शपथ लेते ही रीवा में जश्न का माहौल है। ढेका स्थित अटल कुंड भाजपा कार्यालय में नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने पटाखा फोड़कर उत्साह दिखाया है। साथ ही मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। इसके बाद एक नेता ने दूसरे नेता को शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजेंद्र शुक्ल रीवा के विकास पुरुष हैं। उनके लिए मंत्रिमंडल में 2 ही माह काफी हैं। वे रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द स्वीकृत करा लेंगे। MP में विधानसभा चुनाव 2023 के 2 माह पहले आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। 3 लोगों की शपथ के साथ शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। 3 लोगों की शपथ के साथ शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। 1 पद अब भी खाली है। कौन है राजेंद्र शुक्ला? रीवा सीट से 4 बार के विधायक हैं। अपने पहले ही कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री रह चुके हैं। वे विंध्य अंचल में BJP का बड़ा चेहरा है। 2003 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2008, 2013 और 2018 लगातार जीतते आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में BJP को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा की सभी 8 सीट भाजपा जीती थी। तब से उनको पूरे विंध्य का नेता माना जा रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।